अरे बेबी बस एक गेम लूडो की खेल लो, आई प्रॉमिस मैं अब की बार सिर्फ तुम्हें ही जीतने दूंगा, अब की बार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हारने दूंगा, बस एक गेम खेल लो लूडो की। हाँ आओ ना बेबी, हाँ माँ की कसम आ जाओ। पंकज बेबी मम्मी आ गई, रुको। पंकज उठ ले, एक तू और तेरा बाप दोनों ने मिलके मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। हाँ चुप जा, इस लड़के ने नाक कटवा रखी है हमारी सब जगह। उसको छोड़ो, तुम अपनी बताओ, कल तुम इसकी साइंस वाली टीचर को नंबर दे के आए हो, उसका क्या? अरे वो तो मैंने इसलिए उसको अपना नंबर दिया था ताकि क्लास में जब भी कोई शैतानी करे तो डायरेक्ट वो मुझे कॉल कर पाए। तुमको तो बस औरतों से बातें करने का बहाना चाहिए। अरे चुप कर जा, तू नहीं समझेगी, मैं तो बस बाप होने का फर्ज निभा रहा था। कैसे? व्हाट्सएप पे हाय का मैसेज भेज के? फोन चेक कर रहा था मैंने आज तुम्हारा, एक नंबर के कुत्ते हो तुम। कुत्ते से याद आया, ओए पंकज मैंने तेरे लिए ट्यूशन टीचर लगवा दिया है और उसे बिल्कुल भी परेशान मत करियो। चलो कुछ तो सही किया तुमने कम से कम। हो गई तेरी गुड मॉर्निंग, तेरे बाप ने तेरा ट्यूशन टीचर लगवा दिया है, खड़ा हो ले आने वाला है वो। क्या ट्यूशन? अरे मैं स्कूल में पढ़ पढ़ के वैसे ही परेशान था, आपने मेरा ट्यूशन भी लगवा दिया। अरे इतना बड़ा क्या आप लोग मुझे आइंस्टाइन बनाना चाहते हो क्या? बेबी आप अकेले लूडो खेल लो, मैं बाद में खेलूंगा आपके साथ। हाँ ठीक है बाय। लगता है इसकी ट्यूशन टीचर आ गई, जा चाय पानी का इंतजाम कर, मैं बात करता हूँ फीस वगैरह की, जा तू। बैठिए बैठिए, इसे अपना ही घर समझिए और मेरे बेटे को हमारा ही बेटा समझिए। जी क्या? ओ जी कुछ नहीं कुछ नहीं, और बताइए कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, ये बताइए पढ़ाना किसको है? ओ जी आप चाहो तो मेरे को भी पढ़ा सकती हो, पर मेरे बेटे को पढ़ना है फिलहाल तो। अच्छा जी आप वैसे फीस कितनी लेंगी? कितना बोलूं, 3,000 नहीं थोड़ा बढ़ा के बोलती हूँ। जी पूरे 3100 रुपए लूंगी मैं। ओ जी आप पूरे 5,000 रुपए लीजिए, 1900 रुपए आपकी खूबसूरती के। ओ जी मजाक नहीं, आप बताइए इतनी दूर से आएंगी, आने का किराया, आपकी लाली लिपस्टिक का खर्चा भी तो होगा, इसलिए मैंने 1900 रुपए बढ़ा के दिया आपको। जी हाँ वो तो है ही, चलो अब मैं चलती हूँ। ओ जी रुको जी रुको, ओ कहाँ मर गई? अरे बिस्किट विस्किट लेकर आ, इतनी खूबसूरत मैडम आई है, लेकर आ, कहाँ मर गई, चाय लेकर आ जल्दी। अरे अरे रहने दीजिए, मुझे कुछ काम है, अब मैं चलती हूँ, कल आऊंगी 5 बजे, ठीक है? ओ जी ठीक है जी, ओ जी बाय जी, लव यू। चली गई वो? हाँ तू कहाँ थी? वो बेचारी भूखी प्यासी इतनी देर से तेरा इंतजार करके चली गई। अब मैं चाय बना रही थी। अच्छा ये बताओ फीस की बात हुई कुछ, कितने लेगी? फीस का तो पूछ मत, 10,000 रुपए कह रही थी। मैं कल ना जी ना, हमें तो अपनी बीबी की लाली लिपस्टिक भी लानी होती है, उसके लिए भी तो हमें पैसे चाहिए होते हैं। फिर क्या, एक नाक पे मुक्का मारा, 5,000 रुपए में हाँ कर गई। बहुत सही किया, अब इस चाय का क्या करूं? चाय ओ मेरे को देना, मैं पीऊंगा चाय, ले एक टोपी पी ले। आप ऐसे मेरे रूम में आ गए, मेरे को पैंट तो पहनने दो। ओहो मुझसे क्या शर्माना, मैं तो तुम्हारी ट्यूशन टीचर हूँ ना। तो फिर निक्कर भी निकाल दूँ? अब बदतमीज। मैम आप मेरी ट्यूशन टीचर हो ना, कितनी मस्त हो आप। क्या मतलब? मेरा मतलब है मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, ब्र, 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 मस्त कलंदर। मैम आप मेरे इस रूम में क्या कर रहे हो? स्टडी रूम में चलो ना, वहीं पे तो आप मेरे को ट्यूशन पढ़ाओगी। चलो वाह, स्टडी रूम तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। थैंक यू मैम। ओके अब जल्दी से बुक्स निकालो, बताओ क्या पढ़ना है। मैम संस्कृत। पर शायद वो तो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। अच्छा नहीं है, मुझे क्या पता, मैंने तो काफी टाइम से पढ़ाई नहीं की। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर एक लड़का रात में 5 घंटे सोया तो वो पूरे दिन में कितने घंटे जगा? 8। कैसे? 5 घंटे वो रात में सोया और बची हुई नींद उसने दिन में पूरी कर ली। तुम भी ना। फसी तो फसी, यस।
क्या जानू, अभी तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनी हो और अब सोने भी नहीं दे रही। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी ट्यूशन वाली टीचर हूँ। हाँ मैम, हाँ सॉरी सॉरी। ये बताओ बैठे बैठे तुम्हारा सर टेबल पे कैसे झुक गया? वो मैम ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। हे भगवान, एक भी सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं है तुम्हारे पास। मैम आपके पास है, मैं एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। आई लव यू, अब इसका सीधा सीधा रिप्लाई दो जो सब देते हैं। इतना तेज थप्पड़ मारूंगी ना जाके दीवार में लगेगा। लो होमवर्क लिख दिया तुम्हारा, कल आके चेक करूंगी। आज के लिए इतना ही बहुत है। ओ जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, जरा बैठिए ना। हाँ जी बोलिए। मैडम जी, आप मेरे लड़के को तो पढ़ा रही हैं, लेकिन कभी मुझे भी पढ़ाइए ना। जी मैं फीस उसी को पढ़ाने की लेती हूँ बस। अच्छा ठीक है मैडम जी, कल मिलते हैं फिर। चलो ठीक है। ओ जी एक मिनट, आपके परफ्यूम की खुशबू तो बहुत अच्छी है जी, मजा आ गया। ओ जी थैंक यू जी, वैसे मैंने आज तो कोई परफ्यूम लगाया ही नहीं। चलो ठीक है मैं चलती हूँ फिर। बाय। और बता, तेरी ट्यूशन वाली मैडम कैसा पढ़ा रही है? मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है, मजा आ गया। बहुत अच्छी मैडम ढूंढी आपने। कुछ नंबर वंबर देकर गई है कि नहीं? हाँ, तुमको तो बस लड़कियों के नंबरों की पड़ी रहती है। अरे मैया, अरे टेस्ट के नंबर पूछ रहा हूँ, टेस्ट में कितने नंबर मिले हैं इसको? तुम हमेशा गलत ही समझा करो मुझे। मुझे मत सिखाओ। अरे इतनी अच्छी मैडम है, और चलो एक बार नंबर मैंने ले भी लिया तो क्या हो गया? अच्छा मैथ्स वाले सर का तो नंबर नहीं लिया तुमने आज तक, और साइंस वाली टीचर का, उसका नंबर तो बड़ी जल्दी ले आए तुम। अरे तुझसे तो बात ही करना बेकार है, बैठ तू अकेले यहाँ पे, जा रहा हूँ मैं। क्यों, अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा तो जाओगे ही ना? अरे मम्मी लड़का है तो बार बार साइंस वाली मैडम का नाम आप पापा से क्यों जोड़ती हो? अरे चक्कर चल रहा है उसका तुम्हारे लड़के के साथ, ऐसे होने वाली बहू की बदनामी करती फिर होगी क्या सब जगह? रुक तेरी तो। आई लव यू, आज ही लव लेटर मैम को देकर ही रहूंगा, इसे अपनी कॉपी में रख देता हूँ। मैम आएगी, उनसे चेक करा के साइन करा दूंगा और फिर चुपके से उनके पर्स में डाल दूंगा। यस। गुड इवनिंग मैम। मैम सारा होमवर्क हो गया, आप बस चेक कर दो। अरे वाह बहुत बढ़िया, बताओ क्या चाहिए? मैम आपने इतना पूछ लिया बस वही बहुत है, क्या चाहिए मैं वो नहीं बता सकता, मुझे शर्म आती है। गुड बॉय। मैम वो आप होमवर्क चेक कर दीजिए। हाँ हाँ अभी कर देती हूँ, वैसे भी तुमने सब सही कर रखा होगा। अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, वाटर का फॉर्मूला बताओ मुझे। H2O C plus 3 H2ZYX ABCD GF BF XQ LM A Y2 ZQ। क्या मैम ये नाले वाले वाटर का फॉर्मूला है ना, उसमें तो सब कुछ मिला होता है। एक भी सवाल का सही जवाब नहीं देते तुम, पास कैसे होगे तुम? वो मैं ऐसे पास होऊंगा कि मैं अपना रोल नंबर ही गलत डालता हूँ, और जब टीचर मेरी कॉपी चेक करेगी तो उनको मेरी कॉपी मिलेगी नहीं, और उन्हें लगेगा कि उन्होंने मेरी कॉपी खो दी है, और फिर उनको मुझे पास करना ही पड़ेगा। हे भगवान शर्म करो तुम। मैं कौन सा नंगा बैठा हूँ जो शर्म करूँ? बेटा पंकज जब तुम पढ़ लो तो मैडम को बाहर भेज देना, उनको फीस दे दूंगा मैं। ठीक है स्वामी लाल जी। मैम कितने पैसे देते हैं आप कोई आदमी मुझे पढ़ाने के? उसके आधे भी अगर ये मुझे दे देना तो मैं खुद ही अच्छे से पढ़ के पास हो जाऊं। अब मैं जा रही हूँ, कल वाला होमवर्क दोबारा कर लेना तुम, ठीक है? अब कल मिलते हैं। भाई आज तो ये लव लेटर देकर इस मैडम को पटा ही लूंगा। अब मैडम जी आपकी फीस, अब मैडम जी इन्हें यहाँ नहीं गिनिएगा, घर जाके गिनिएगा। I love you madam, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ।
आई लव यू आपका प्रेमी पंकज। हे भगवान, अब भी इसकी मम्मी को फोन करके बताती हूँ। हेलो हेलो, आपके लड़के ने पता है आज क्या किया है? मुझे लव लेटर लिखा है और उसमें इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना कि क्या बताऊं। अच्छा मैडम जी, मैं ध्यान रखूंगी, आगे से ये लव लेटर में कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा। आपको स्पेलिंग की पड़ी हुई है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रेम पत्र लिखने की? मैडम को लव लेटर लिखता है? नहीं मम्मी, आपकी कसम, मैडम ने उस लव लेटर में खुद साइन किया था और गुड भी दिया था, आपकी कसम। रुक जा, तुझे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। कहाँ जाएगा बचके? क्या हो गया, क्यों लड़के को मार रही हो? रुको एक मिनट, अभी मैडम जी फोन पे हैं। हेलो जी मैडम जी, मैंने आज बहुत मारा इस पंकज को। देखिए आपके पति कितने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे आज पूरी फीस दे दी, लेकिन कल आकर मैं पूरी फीस वापस कर जाऊंगी। ठीक है, आई लव यू मिस टीचर, मैं पंकज का पापा हूँ। आपने बस 3100 फीस मांगी थी, मैं 6000 दे रहा हूँ। अगर आपकी हाँ है तो मुझे इस नंबर पर कॉल करिए। क्या कह रही थी मैडम, उस कंजर की शिकायत कर रही होगी, है ना? कह रही होगी पढ़ता नहीं है। तुम्हारी तो गाइस, तो कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, और हाँ वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हिट द रेड बटन, बाय, आई लव यू गाइस।